यूपी के अलीगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए। दरअसल ये दर्दनाक हादसा अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके का है। यहाँ तेज गति से आ रही कार ने मैरिज होम के बाहर खड़े घराती और बारातियों को मारी जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। सभी घायलों को पुलिस ने आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और गुस्साए बारातियों ने एक्सीडेंट करने वाली कार में भी जमकर तोड़फोड़ की है। साथ ही स्थानीय लोगों ने मौके से भागते हुए ड्राइवर को पकड़कर लिया है। वहीं एक्सीडेंट का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। फिलहाल दूल्हे के भाई ने बताया कि देर रात मेरे भाई की शादी बन्ना देवी थाना इलाके के सम्राट लॉज में संपन्न हुई थी। इस दौरान तमाम रिश्तेदार अपने अपने घर के लिए जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रही कार ने मैरिज लॉज के बाहर खड़े एक दर्जन से अधिक लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें सभी लोगों की हालत गंभीर है। इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मेरा नाम जावेद है। मृत्यु हुई कौन है? इंदिरा भतीजा है। क्या नाम है इनका? इसका नाम गुल्लू है। कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ था? ये कल हम शादी में आए थे सम्राट लॉज में, हमारे भाई की बारात आई हुई थी, तो वहाँ से हम रात को रुक जा रहे थे, अपने जाने की तैयारी कर रहे थे, तो इतने में एक गाड़ी आई इको, उसने आन के आंधी तूंधी की तरह से वो गाड़ी आई थी और उसने आन के धुआं उड़ा दिया सबको। करीब कितने लोग थे? जो करीब करीब 15 लोग थे उसमें, जख्मी जो ज़्यादा जख्मी है वो करीब 6 लोग हैं, 7 लोग, और जो हल्के फुल्के जख्मी है वो 15 लोग हैं कम से कम। तो मौके पर होगी थी? हाँ, मौके पर शायद मौत हो गई, लेकिन मेडिकल तक हम ले गए तो वो खत्म हो गया बच्चा। तो किस जगह की घटना है ये? सम्राट लॉज की बात है, सारसोल पे। थाना कौन सा पड़ता है? बन्ना देवी थाना। क्या नाम है बच्चे का? क्या नाम है? बच्चे का नाम गुल्लू है। पिताजी का क्या नाम है? आबिद। ये कहाँ के रहने वाले हो? ये सरायमिया दहली गेट जंगल गली के रहने वाले। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।